पंजाब में आज से दो रोज के लिए मार्केट्स बंद करने का फैसला। आज रात 12 बजे से 9 रोज के लिए लॉकडाउन भी होगा। मवेशी मंडियां, होटल, मेडिकल और किराना स्टोर खुले रहेंगे। कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार वजीर आजम और वजीर अला पंजाब को करार देने के लिए दरख्वास्त समाप्त के लिए मंजूर। दरख्वास्त गुजार अपना मौकिफ साबित ना कर सका तो लाखों रुपए जुर्माना होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के रिमांड। कोरोना की सूरत हाल, इस्लामाबाद की मरी एक्सप्रेसवे, मांगला हिल्स, पार्क्स, तफरीही मकामात और होटल ईद की तातीलात तक बंद कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में ईद पर सयाती मकामात बंद, कारोबार खोलने की भी इजाजत नहीं होगी। औरंगजेब के इलाके खड़ीताल में मिट्टी का तोदा गिरने से 3 खवातीन जां बहक, 1 जख्मी। चारों खवातीन घर की मरम्मत के लिए पहाड़ से मिट्टी खोद रही थी। तामीराती शोबे के लिए बुरी खबर, सीमेंट की बोरी 20 रुपए महंगी हो गई। सरिया की कीमत भी 20 रुपए किलो बढ़ा दी गई। इस्लामाबाद में ईद के पकवानों में इस्तेमाल होने वाले मसाले मजीद महंगे हो गए। अदरक 400, लहसुन 350 रुपए किलो, टमाटर 80 रुपए किलो हो गए। लीमू की 460, हरी मिर्च 100, प्याज 60 रुपए किलो में फरोख्त। धनिया और पुदीने की गड्डी भी 30 रुपए की हो गई। फैसलाबाद में टिकटॉक स्टार की काबिल एतराज वीडियो वायरल करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। FIA ने मुल्जिम असफंद यार को लाहौर से गिरफ्तार किया। मुल्जिम ने एतराफ जुर्म कर लिया। ICC ने वनडे मेंस वर्ल्ड कप सुपर लीग का ऐलान कर दिया। आगाज 30 जुलाई से इंग्लैंड और आयरलैंड की सीरीज से होगा। ICC की फुल मेंबर 12 टीमों के अलावा नेदरलैंड शरीक होगी। हर टीम को 4 होम 4 अवे सीरीज खेलना होगी। हर सीरीज 3 मैचेस पर मुश्तमिल होगी। टॉप 7 टीमें वर्ल्ड कप 2023 के लिए बराह रास्त क्वालिफाई करेंगी।